तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है हाउ टू प्रिडिक्ट स्केलिंग और फॉलिंग इन आरओ मेम्ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। यानी कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आरओ मेम्ब्रेन में हमारा फॉलिंग हुआ है या स्केलिंग हुआ है, इसको कैसे पहचाना जाता है, कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि यदि आपको ये पता चल जाएगा कि इस मेम्ब्रेन में हमारा स्केलिंग हुआ है या फॉलिंग हुआ है, तब आप सीआईपी प्रोसीजर के दौरान आप इजीली समझ सकते हैं कि इस मेम्ब्रेन को हम लोग को हाई पीएच से क्लीन करना पड़ेगा या लो पीएच से क्लीन करना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि इस आरओ मेम्ब्रेन में फॉलिंग हुआ है या स्केलिंग हुआ है, इसको कैसे प्रिडिक्ट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से समझते हैं। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहां पे एक ड्राइंग किया है, इस ड्राइंग की मदद से अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कभी आरओ प्लांट को विजिट किए होंगे तो हमारा आरओ प्लांट कुछ इस टाइप से अपीयर होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये एक 30 MQ प्लांट का मैं विजिट किया था, वहां का ये डायग्राम मैंने प्लॉट किया है। तो देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, हमारा आरओ मेम्ब्रेन है और ये 5 मेम्ब्रेन लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर पंप, यानी कि HPP। और इसका मेन पर्पस क्या होता है कि इस रॉ वाटर को हाई प्रेशर से इस आरओ मेम्ब्रेन में फीड करना। तो इस आरओ मेम्ब्रेन में हाई प्रेशर से पानी क्यों फीड करते हैं, क्योंकि एक चीज हम लोग जानते हैं कि इस आरओ मेम्ब्रेन का जो पोर साइज होता है वो कितना होता है, तो 0.0001 माइक्रोन होता है। और ये पोर साइज इतना छोटा होता है कि इसमें से पानी हमारा इजीली पास आउट नहीं होता है। अगर मेम्ब्रेन से पानी पास आउट नहीं होगा तो हमारा इम्प्यूटिस कैसे ट्रैप होगा। तो इस पोर साइज से पानी को प्रोवाइड करने के लिए, मतलब पास आउट करवाने के लिए, हम लोग को हाई प्रेशर से पानी एंटर करवाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे हाई प्रेशर पंप लगाए हैं। इस पानी का प्रेशर मेजर करने के लिए देखिए, यहां पे हमारा एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। तो यहां से हमारा रॉ वाटर आता है और इस पंप से डिलीवर होकर के यहां पे देखिए हमारा आरओ मेम्ब्रेन में चला जाता है। तो यहां पे आपको 5 आरओ मेम्ब्रेन दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, यहां से पानी हमारा देखिए इस मेम्ब्रेन में जाएगा, इस मेम्ब्रेन में जा रहा है और यहां पर जा रहा है। और इसका जो प्रेशर है हम लोग यहां प्रिडिक्ट करेंगे। तो मान लीजिए हमारा जो प्रेशर आ रहा है, हाई प्रेशर जो आ रहा है वो कितना है, मान लीजिए हमारा 13 kg/cm² हम लोग को यहां पे प्रेशर मिल रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही पानी इस मेम्ब्रेन में एंटर करता है तो आउटसाइड से इनसाइड, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, इसमें जो रेड कलर दिख रहा है इसमें दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं परमिट ट्यूब। और जो हम लोग का आउटसाइड से पानी इस ट्यूब के अंदर आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिट वाटर। और इस पानी में जो इम्प्यूटिज होता है उसका जो साइज होता है इस मेम्ब्रेन के साइज से बड़ा होता है, तो वो इस परमिट ट्यूब में नहीं आएगा। तो जो बड़े साइज का इम्प्यूटिज है वो क्या होगा, यहां से पानी के साथ मूव करते करते यहां से निकल जाता है। यानी कि एक साइड से हमारा पानी एंटर करता है और दूसरे साइड से जो पानी है वो हाई कंसंट्रेशन का साल्ट या इम्प्यूटिज को लेकर के निकल जाता है। तो यहां से हम लोग का जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, कंसंट्रेटेड और रिजेक्ट वाटर। यानी कि ये जो हम लोग का यहां से पानी निकलता है वो हाई कंसंट्रेशन का वाटर निकल जाता है। और यहां से पानी निकल करके इस हेडर में आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्ट हेडर या कंसंट्रेटेड हेडर। और इस हेडर में पानी का प्रेशर कितना है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए देखिए यहां पे हमारा एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। इस प्रेशर गेज से हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि जो पानी यहां से निकल कर इस हेडर में आया है उसका प्रेशर कितना है। तो देखिए, जब भी अगर मेम्ब्रेन से पानी पास आउट होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर का ड्रॉप होगा ही। तो मान लीजिए यहां पे हमारा जो प्रेशर गेज शो कर रहा है वो कितना शो कर रहा है, यहां पे हमारा अगर 13 kg/cm² है तो अज्यूम कर लेते हैं यहां पे हमको मिल रहा है कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, यानी कि 12.5 kg/cm² मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले यहां पे क्या हुआ कि 3 मेम्ब्रेन से ही हमारा पानी पास आउट हुआ और 3 मेम्ब्रेन का जो परमिट वाटर है इस परमिट ट्यूब से पानी निकल करके कहां जाता है। तो देखिए, ये आपको रेड कलर का एक हेडर दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं परमिट वाटर हेडर। यानी कि इस परमिट ट्यूब में क्या है, हमारा परमिट वाटर है यानी कि प्योर वाटर है, वो निकल करके कहां जाएगा, तो इस हेडर में चला जाएगा। तो यहां पे हम लोग केवल 3 मेम्ब्रेन में पानी भेज रहे हैं, तो 3 मेम्ब्रेन से जो परमिट वाटर है वो इस हेडर में चला जाएगा। तो ये जो हमारा आरओ प्लांट है वो 2 स्टेज का प्लांट है। यानी कि सबसे पहले क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में हमारा 3 मेम्ब्रेन में पानी जा रहा है और इस मेम्ब्रेन का जो रिजेक्ट वाटर है
यानी कि जो इस हेडर में आया है, इसका जो पानी है वो सेकेंड स्टेज में जाएगा। तो देखिए यहां से पानी हमारा निकल करके इस मेम्ब्रेन में एंटर करता है, तो जैसे ही यहां पे एंटर करेगा तो इसका जो रिजेक्ट होगा अब इस साइड से निकलेगा और निकल करके यहां पे आएगा। तो सेम इसका भी रिजेक्ट वाटर यहां से निकलेगा, लेकिन जो परमिट वाटर होगा वो क्या होगा, आउटसाइड से इस साइड इस ट्यूब में आएगा, तो यहां से निकल करके तो इस ट्यूब में आ जाएगा हमारा पानी परमिट वाटर, तो ये निकल करके हमारा इस परमिट हेडर में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स ये डिपेंड करता है कि हमारा जो पानी के अंदर कितना इम्प्यूटिज है उसके अकॉर्डिंग हमारा आरओ प्लांट का स्टेज होता है। ये थ्री स्टेज भी हो सकता है, यानी कि ये जो हम लोग का रिजेक्ट वाटर है हो सकता है फिर से एक मेम्ब्रेन में दे दे और वहां से भी इसके अंदर का जो इम्प्यूटिज है उसको ट्रैप करके जो प्योर वाटर निकाल ले। तो ये डिपेंड करता है कि पानी के अंदर कितना इम्प्यूटिज है। ये जो हमारा प्लांट है ये दो स्टेज का प्लांट है, तो देखिए इस मेम्ब्रेन से जो हमारा रिजेक्ट वाटर निकल रहा है इस हेडर में आ रहा है, तो इस हेडर का भी प्रेशर मेजर करने के लिए देखिए यहां पे हम लोग प्रेशर गेज लगाए हैं। तो मान लीजिए इस हेडर में जो हम लोग का पानी है उसका प्रेशर कितना दिखा रहा है, तो देखिए इस हेडर में हमारा कितना है 12.5 है, तो इस हेडर में मान लीजिए हम लोग को मिल रहा है कितना 12 kg मिल रहा है, ठीक है 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि इस मेम्ब्रेन में हमारा स्केलिंग हुआ है या फॉलिंग हुआ है, इसको हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे। और देखिए यहां से हमारा जो रिजेक्ट वाटर है यहां से बाहर निकल जाता है, तो यहां पे एक हम लोग का आइसोलेशन रहता है, इसको खोल देंगे तो हम लोग का बाहर निकलते रहता है और जो परमिट है ये हमारा चल जाएगा स्टोरेज टैंक में, जहां पे भी हम लोग को इसको स्टोर करना है जैसे डीएमएसटी वगैरह है वहां पे जाके ये स्टोर होगा। तो अभी हम लोग समझेंगे कि इसके अंदर हमारा स्केलिंग होगा या फॉलिंग होगा उसको हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स स्केलिंग क्या होता है, फॉलिंग क्या होता है और इस मेम्ब्रेन में कैसे होता है, इसके लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, प्लीज उस वीडियो को पहले आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा, जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे कि स्केलिंग या फॉलिंग किसकी वजह से होता है, तो इस पानी में जो मेम्ब्रेन में जो पानी भेज रहे हैं उसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज है उसी की वजह से हमारा स्केलिंग भी होता है, उसी की वजह से हमारा फॉलिंग भी होता है। तो सबसे पहले इस पानी का जो इम्प्यूरिटीज है उसको हम लोग समझते हैं कि इस पानी में कौन कौन सा इम्प्यूरिटीज रहता है जो कि आरओ मेम्ब्रेन में एंटर करता है। तो सबसे पहले जो रहता है वो क्या रहता है, सबसे पहले हमारा कुछ ना कुछ सस्पेंडेड सॉलिड रहता है जिसको हम लोग पार्टिकुलेट्स बोलते हैं, यानी इसको सस्पेंडेड सॉलिड SS बोल दे रहे हैं। और इस सस्पेंडेड सॉलिड का साइज कितना होता है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन में पानी भेजने से पहले इस हाई प्रेशर पंप से पहले हम लोग एक फिल्टर लगाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोन कार्टेज फिल्टर, और इस फिल्टर का जो साइज होता है वो कितना होता है 5 माइक्रोन होता है, यानी कि यहां से जो हम लोग का पानी पास आउट होता है वो लेस देन 5 माइक्रोन होता है। तो इसके अंदर जो सस्पेंडेड सॉलिड होगा यानी कि जो भी बालू कण वगैरह आप बोल सकते हैं जो होगा उसका जो साइज होगा वो लेस देन 5 माइक्रोन होगा। तो फ्रेंड्स इस पानी में सबसे पहले हमारा क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड है जिसका साइज लेस देन 5 माइक्रोन है। दूसरा क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर हमारा बैक्टीरिया भी मौजूद रहता है जिसका साइज कितना होता है, तो लगभग हमारा साइज इसका आता है 0.4 से लेकर के 1.0 माइक्रोन होता है, ठीक है। और इससे नीचे हमारा पानी में क्या रहता है, तो पानी के अंदर हमारा वायरस भी होता है जिसका साइज कितना होता है, तो वायरस का जो हमारा साइज होता है लगभग 0.2 से लेकर के 0.4 माइक्रोन होता है। और इसके बाद हमारा पानी के अंदर पेस्टिसाइड्स भी रहता है, पेस्टिसाइड्स का मतलब होता है कि कीटनाशक, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं उसको हम लोग पेस्टिसाइड्स बोलते हैं जिसका साइज होता है हमारा लगभग 0.001 माइक्रोन होता है, ठीक है। तो इतना सारा, और इसके बाद हमारा क्या रहता है पानी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है साल्ट, ठीक है। तो पानी के अंदर हमारा साल्ट भी मौजूद रहता है जिसका साइज होता है कितना 0.0007 माइक्रोन होता है। तो यहाँ पे हमारा NaCl का बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड यानी कि कॉमन साल्ट की बात कर रहे हैं जो कि सबसे छोटा होता है साइज में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या इम्प्यूरिटीज है और क्या क्या इसके अंदर ट्रैप होता है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग का मेम्ब्रेन का जो साइज है वो क्या है 0.0001 है, यानी कि जितने भी इम्प्यूरिटीज है उससे क्या है सबसे छोटा है। तो इस मेम्ब्रेन का जो साइज होता है इतना कम होता है, इतना छोटा होता है कि केवल इससे हमारा वाटर का मॉलिक्यूल से पास करेगा, बाकी साल्ट हो पेस्टिसाइड हो वायरस बैक्टीरिया पार्टिकुलेट सारा चीज यहीं पे ट्रैप हो जाएगा।
ये सब जो इम्पिटिज है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन का कंस्ट्रक्शन के दौरान आरओ मेम्ब्रेन को फोल्ड करके उसको बीचों बीच में फीड चैनल स्पेसर लगा देते हैं, तो मान लीजिए यहां से फीड चैनल स्पेसर के बीचों बीच से हम लोग का पानी मूव करता है, तो यहां पे हमारा इम्पिटिज है, तो इम्पिटिज को क्या करेगा, पानी हाई प्रेशर से एंटर करता है, तो हाई प्रेशर से पानी इस इम्पिटिज को लेकर के बाहर निकल जाता है, और जो लो कंसंट्रेशन का पानी है वो इस परमिट ट्यूब में आ जाता है और यहां से हमारा परमिट वाटर मिल जाता है, यानी कि ये सब जो इम्पिटिज है यहां से हमारा निकल जाता है। नॉर्मली देखा जाता है कि इस मेम्ब्रेन से 100% ये सब इम्पिटिज निकल नहीं पाता है, कुछ अमाउंट में इम्पिटिज इसके मेम्ब्रेन सर्फेस के ऊपर चिपक जाता है या मेम्ब्रेन का जो पोर है उसके अंदर आके एंटर कर जाता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी सर्फेस के ऊपर किसी चीज का डिपोजिशन होना क्या कहलाता है, फॉलिंग कहलाता है। तो आप नॉर्मली समझ सकते हैं कि जो बड़े साइज का इम्पिटिज होगा, जैसे कि हमारा पार्टिकुलेट हुआ, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब चीज हुआ, वो कहां चिपकेगा, तो जहां पे सबसे पहले पानी एंटर करेगा। इस तरह से इस आरओ मेम्ब्रेन में फर्स्ट स्टेज में आरओ मेम्ब्रेन का जो सरफेस है उसके ऊपर बड़े साइज वाले इम्पिटिज का डिपोजिशन होता है, जिसको हम लोग फॉलिंग बोलते हैं, और ये फॉलिंग हमारा बायोफॉलिंग भी हो सकता है, या हमारा कोलाइडल या पार्टिकुलेट्स फॉलिंग भी हो सकता है, या हमारा ऑर्गेनिक फॉलिंग भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमारा जो फॉलिंग होगा वो फर्स्ट स्टेज में होता है, और रिमेनिंग जो इम्पिटिज है जैसे कि हमारा साल्ट वगैरह है, वो हमारा सेकेंड स्टेज, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा सेकेंड स्टेज है, तो सेकेंड स्टेज में डिपोजिशन होने का चांस होता है। तो किसी भी सर्फेस के ऊपर साल्ट का डिपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे इस मेम्ब्रेन सर्फेस के ऊपर हमारा साल्ट का डिपोजिशन हो रहा है, यानी कि इस मेम्ब्रेन में हमारा स्केलिंग हो रहा है। तो नॉर्मली देखा जाता है कि फर्स्ट स्टेज में हमारा फॉलिंग होता है और सेकेंड स्टेज में हमारा स्केलिंग होता है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज आरओ मेम्ब्रेन का बात। अगर हमारा कहीं थर्ड स्टेज रहे या फोर्थ स्टेज रहे तो हम लोग कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, तो नॉर्मली वहां पे क्या होता है, अगर थर्ड स्टेज है तो हमारा जो थर्ड स्टेज होगा उसमें हमारा स्केलिंग भी हो सकता है, उसमें हमारा फॉलिंग भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो चांस होता है कि लास्ट स्टेज वाला जो मेम्ब्रेन होगा उसमें ज्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा, तो उसमें हमारा स्केलिंग की वजह से ही वो प्रेशर ड्रॉप कर रहा है। तो चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा पैरामीटर चेंज होता है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि इसमें हमारा फॉलिंग हुआ है या स्केलिंग हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेज की बात करें, फर्स्ट स्टेज कितना है हमारा, 3 मेम्ब्रेन है, जिसमें हमारा इनलेट प्रेशर कितना है, वाटर का इनलेट प्रेशर 13 kg/cm² है, और आउटलेट जो हम लोग का रिजेक्ट वाटर मिल रहा है इसका प्रेशर कितना है, 12.5 kg प्रेशर मिल रहा है। तो ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, यानी कि अगर इनलेट और आउटलेट प्रेशर का डिफरेंस अगर 0.5 kg/cm² है, यानी कि इन दोनों का डेल्टा पी अगर 0.5 kg रहे, तब जाके हमारा जो आरओ मेम्ब्रेन है वो एकदम बेस्ट है, एकदम नॉर्मल ऑपरेशन है। लेकिन जैसे ही इसका डेल्टा पी इंक्रीज होने लगे, इसका मतलब समझ लीजिए कि यहां पे इम्पिटिज का डिपोजिशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में कौन सा इम्पिटिज का डिपोजिशन होता है, तो बड़े साइज वाला, यानी कि इसके अंदर हमारा फॉलिंग होता है। तो मान लीजिए कि इस फर्स्ट स्टेज का जो रिजेक्ट वाटर है इसका प्रेशर डिक्रीज होकर के 11.5 kg/cm² आ गया, यानी कि इस प्रेशर गेज में अब हमारा कितना दिखा रहा है, 11.5 kg/cm² दे रहा है। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी कि इनलेट वाटर हेडर का प्रेशर और आउटलेट वाटर हेडर का प्रेशर का डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल प्रेशर, इसको हम लोग डेल्टा पी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 13 - 11.5, तो इसका डिफरेंस आ जाएगा 1.5 kg/cm², यानी यहां पे हमारा प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है, 1.5 kg प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, जबकि नॉर्मली हमारा कितना होना चाहिए, 0.5 kg/cm². इसका मतलब कि इसे यहां पे हमारा इम्पिटिज का डिपोजिशन हुआ है। तो कौन सा इम्पिटिज, तो बड़े साइज वाले इम्पिटिज का डिपोजिशन हुआ है, जिसको हम लोग फॉलिंग बोलते हैं। और सेकेंड स्टेज की अगर बात करें, तो मान लीजिए यहां पे हमारा कितना है, अभी कोई भी प्रेशर का ड्रॉप नहीं हो रहा है, यानी कि मान लीजिए हमारा 11.5 है, तो यहां पे हमारा कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है, ठीक है। तो 0.5 kg का डिफरेंस है, दोनों का डेल्टा पी अगर निकालेंगे तो 0.5 kg का ही डिफरेंस हुआ, तो इसका मतलब कि इसके अंदर हमारा कोई भी फॉलिंग या स्केलिंग नहीं हुआ है, ये हमारा अभी बेस्ट है। लेकिन जैसे ही इसका मान लीजिए प्रेशर हमारा 10 kg आ जाए या नीचे आ जाए, इसका मतलब कि यहां पे भी इम्पिटिज का डिपोजिशन हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहां पे हमारा सेकंड स्टेज में मिलने क्या होता है, साल्ट का डिपोजिशन हुआ है, यानी कि यहां पे स्केलिंग हुआ है। अगर यहां पे 10 kg है, यहां पे 11.5 है, तो इस सेकंड स्टेज का अगर हम लोग डेल्टा पी निकालेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा, 1.5 kg/cm
स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब कि यहां पे हमारा स्केलिंग हुआ है। अगर मान लीजिए कि यहां पे हमारा जो प्रेशर है 13 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां पे 12.5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है, इसका मतलब कि यहां पे हमारा फॉलिंग नहीं हुआ है, और यहां पे हमारा 12.5 है लेकिन यहां पे हमारा 10 आ गया, यानी कि इसका जो डेल्टा पी आया है वो 2.5 हो गया या हमारा 11 हो गया यानी 1.5 हो गया, इसका मतलब कि यहां पे हमारा स्केलिंग हुआ है। तो इस टाइप के जो मेम्ब्रेन है यहां पे केवल हमारा स्केलिंग हुआ है, यहां पे हमारा फॉलिंग नहीं हुआ है, लेकिन यहां पे डिफरेंस अगर 1.5 से ज्यादा हो रहा है तो हम लोग इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यहां पे हमारा फॉलिंग हुआ है और यहां पे हमारा स्केलिंग हुआ है। अगर आपको यह चीज पता चल गया कि यहां पे हमारा फॉलिंग हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हाई पीएच से इसको क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सीआईपी प्रोसीडर के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि कैसे इस आरओ मेम्ब्रेन को क्लीन किया जाता है। तो अगर हमारा केवल फॉलिंग हुआ है और स्केलिंग नहीं हुआ है तो हम लोग को नॉर्मली हाई पीएच पानी से क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा यहां पे केवल स्केलिंग हुआ है, फॉलिंग नहीं हुआ है, तो हम लोग को लो पीएच यानी कि जैसे हम लोग एचसीएल से पानी को कैसे पीएच डाउन करके हम लोग को केवल क्लीन करना पड़ेगा, हाई पीएच से क्लीन करने का कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा दोनों हो रहा है यानी कि फॉलिंग भी हो रहा है, स्केलिंग भी हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले हाई पीएच से इसको क्लीन कर लीजिए, फिर से हम लोग लो पीएच से क्लीन कर लेंगे। इस तरह से प्रेशर डिफरेंस को देख करके हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि यहां पे हमारा फॉलिंग हुआ है या स्केलिंग हुआ है। अगर ये पता चल गया तो सीआईपी प्रोसीडर के दौरान हम लोग को बहुत ही आसानी होगा कि यहां पे हम लोग हाई पीएच से करेंगे या लो पीएच से करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।